हाय फ्रेंड्स, आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल कलर मोमोज की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, चलिए ट्रिपल कलर मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में लगभग एक कप मैदा लिए हैं और ये हम व्हाइट कलर का बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच लगभग रिफाइंड ऑयल डाले हैं और थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल करके अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और अब हम इसे पानी के साथ गूंथ लेंगे। मैदे का हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए मैदे का हम डो तैयार करेंगे, जो बिल्कुल सॉफ्ट होगी, तभी हमारी जो मोमोज है वो अच्छी तैयार होगी। अब ये व्हाइट वाला डो जो है हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम केसरी कलर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कप मैदा और लिए हैं और इसमें भी हम डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें केसरी कलर का फूड कलर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका भी हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो अब ये केसरी कलर का डो भी तैयार हो चुका है और इसके बाद हम बनाएंगे इसी तरह से ग्रीन कलर। तो इसके लिए भी हमने एक कप मैदा लिए हैं और उसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर और इसका भी हम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तीनों कलर की जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 150 ग्राम पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं और एक मीडियम साइज के गाजर को भी हमने कद्दूकस कर लिए हैं। इसके बाद हमने थोड़े से लहसुन और अदरक को भी घिस लिए थे और यहाँ पर हमने हरी प्याज की पत्तियों को भी बारीक काट लिए थे और 2-3 हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिए थे और शिमला मिर्च को भी हमने बारीक काट करके ले लिए हैं और एक मीडियम साइज के प्याज को भी हमने इस तरह से बारीक काट लिए हैं। और अब हम इन सभी को मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी, एक चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक और इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच भरकर काली मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसके बाद हम इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और ढककर इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम जो तीनों कलर के डो तैयार किए हैं उसे हम लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां इस तरह की तैयार करेंगे। अब हम तीनों कलर की एक एक लोई लेंगे और इसे हम इस तरह से हल्का लंबा करके रोल कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से इसे दबा करके इसमें हल्का सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे हम इस तरह दबाते हुए इसे हम बेल लेंगे। इसे हम इस तरह की लंबाई शेप में ही बेलेंगे और इसके बाद जब कुछ इस तरह की हो जाएगी तो हम गिलास से इस तरह कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ट्रिपल कलर का ये जो मेरी पूरी है ये बनकर तैयार हो गई है। और इसके बाद हम बेलर से हल्का सा इसे फैला लेते हैं, जिससे इसे किनारे जो है पतले दिखेंगे, मतलब ज़्यादा मोटे इसकी नहीं होगी पड़ते। तो इसी तरह से हम सभी को बेल लेंगे और अब हम इन सभी को एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। और यहाँ पर हम 10 मिनट के बाद जो स्टफिंग हमने तैयार करी है उसे देखेंगे कि इसमें पानी इस तरह से छूट चुके हैं। तो इसे हम इस तरह से हल्का दबाते हुए हम दूसरे बाउल में रख लेंगे
और ना ही इसे हमें ज़्यादा ड्राई करना है और ना ही ज़्यादा इसमें हमें पानी रखना भी है। और यहाँ पर मैं एक साथ इस तरह से लंबा करके बेल रही हूँ, जिसमें दो तीन ऐसे करके आपकी राउंड शेप में पूरी जो है तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप जल्दी में आपका काम जो है हो सकता है। तो इस तरह से हमने कई पूड़ियाँ बना करके रख ली है और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से लेंगे और इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है स्टफिंग डालेंगे बीच में इस तरह से, और इसमें हम इस तरह से इसे चुन्नटे देते हुए इसे हम फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसकी चुन्नटे जो है बनाए हैं। और इसके बाद जो है इस तरह से दबाते हुए जब आधे में इसकी चुन्नटे हो जाएंगी तो पूरे को हम दबा करके इसे एक शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा मोदक जो है एक डिजाइन की बनकर तैयार हो गई है। वैसे मोदक कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं आज डिजाइन बना रही हूँ बहुत ही इजी है, इसे बनाना बहुत ही इजी है। अब मैं दूसरा डिजाइन बना रही हूँ, तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे और इस डिजाइन को हम दोनों तरफ से इस तरह चुन्नटे देंगे, दोनों तरफ से, एक इस तरफ से और इसके बाद एक इस तरफ से हम चुन्नटे देंगे। तो इस तरह से ये दूसरा डिजाइन भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन भी हमारा बनकर तैयार है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ हाथों पर भी दिखा रही हूँ कि ऐसे तो मैंने नीचे डाल करके इसे बनाए हैं और हाथों पर भी आप इसे इजी तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए पास से आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह से इसे चुन्नटे देते रहेंगे और हल्का सा इसे हम घुमाते भी रहेंगे। और इसके बाद हम इसे इस तरह से दबाते हुए इसे हम इस तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन जो है बनकर तैयार हो जाता है। और अब मैं आप लोगों के साथ ये तीसरी डिजाइन जो है राउंड शेप में बना करके दिखाती हूँ। तो इसे बस इस तरह घुमाते हुए हमें चुन्नटे करते रहना है और पूरे में हम इसी तरह से चुन्नटे कर लेंगे और इसके बाद हम इसे इस तरह से दबा देंगे। तो ये देखिए ये भी हमारा तिरंगा मोमो जो है इस तरह से फिल हो चुका है। और अब मैं नेक्स्ट और पुड़िया जो है बनानी है, तो जो हमने बनाई थी उसे हमने फिल कर लिए हैं और अब जो है इस तरह से डस्ट करके, और मैंने यहाँ पे एक ही साथ तीनों कलर जो है मिक्स कर लिए हैं। तो अगर आपको इस तरह से ट्रिपल कलर को बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो या फिर टाइम लगता हो, ऐसे तो जब बनाने लगते हैं तो वो भी बन जाते हैं बहुत ईजिली, मैंने दिखाया है इस तरह से बनाएंगे तो वो भी बन जाते हैं। अगर आपको ये नहीं हो रहा हो तो इस तरह से भी तीनों को एक साथ मिला करके आप बड़ा सा जो है इसकी बेल सकते हैं रोटी, और इसके बाद जो है इसे गोल गोल शेप में आप कट करके इसमें से आप ढेर सारा निकाल सकते हैं एक ही साथ में। इसके बाद हम इन सभी को भी अच्छे तरह से फिल कर लेंगे आप अपने मन चाहे डिजाइन में। और बहुत सारे डिजाइन होते हैं मोमोज के, आपको जो भी डिजाइन पसंद हो आप उस तरह से बना लें। और ये देखिए इस तरह से हम सभी को तैयार करेंगे और इसके बाद हम इन सभी को स्टीम करेंगे। तो एक बैच में जितने हमें स्टीम करने हैं हम उतनी ही को इसमें फिल करेंगे और पहले उसको फिर स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम बाकी के भी इसी तरह फिल करते रहेंगे, जितने देर में हमारे स्टीम होगी उतने देर में हम और भी मोमो जो है बना करके तैयार रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक बैच का हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ गैस पर हमने एक बड़े से बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं लगभग 1 लीटर, और इसके अंदर हम एक छल्ली डाल करके इसे हम ढक दिए हैं। और जब पानी में बॉयल जो आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें सभी बोबोज को डाल देते हैं, और यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और बोबोज डालने से पहले छल्ली पे आप रिफाइंड ऑयल जरूर लगा दीजिएगा, इससे बोबोज जो है इसमें चिपके गए रही
तो इस तरह से हम सभी बबोच को इसमें डाल देते हैं और इसे हम लो फ्लेम पर ढककर लगभग 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मोमोज है ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और अब मैं आप लोगों को इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये अंदर से भी कितनी जूसी बनी हुई है इसकी स्टफिंग जो है और बहुत ही भरी भरी है। तो इस तरह से जब आप मोमोज बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं और मोमोज की शाइनिंग देख करके भी आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये रिपब्लिक डे स्पेशल मोमोज कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम इसी तरह की और भी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।